हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद तो करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रीक भॉम के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीक भॉम ये किस काम के लिए होता है, किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इसका डोज कैसा है, इसको खाने का नियम कैसा है और ये किस काम के लिए आता है और ये किस किस इंसानों को कौन सा समय में दिया जाता है, इन्हीं सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, ज़रूरी बात है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड वीडियो को कट कट कर मत देखिए भाई लोग, कहीं अगर कट कट करके देखिएगा मेरा वीडियो को तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो देर ना करते हुए आज हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रीक भॉम टैबलेट। इसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो डॉक्सीलामाइन सुसिनेट एंड पाइरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका कंपोजिशन है प्रीक भॉम का। ये कंपोजिशन है इसका, जो आपका रेट है वो लगभग 125 mg का है और इसको आप कहीं भी होलसेल मेडिसिन में आप आसानी से इसको परचेस कर सकते हैं। अब इसका तो आपको दाम बता दिए और इसको कैसे परचेस करना है इसको भी तो बता दिए और इसका जो कंपोजिशन वो भी बता दिए। अब इसका जो कंपनी होता है ये एक आपका इंटस फार्मास्यूटिकल्स LTD कंपनी का है, जो एक ब्रांड कंपनी है। तो आप जब भी खरीदेगा तो ये आप पहले देख लीजिएगा इंटस फार्मास्यूटिकल LTD, इन्हीं कंपनी से आप खरीदिएगा। अब आपको तो दो चीज़ बता दिए, अब तीसरा चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो है इसको कैसे आप देंगे, कौन सा सिचुएशन में देंगे, किस पेशेंट को आप देंगे, ये तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको देने का जो नियम है ये भी आपको जानना ज़रूरी है और कौन कौन सिचुएशन में देना है ये भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये कौन सा पेशेंट को दिया जाता है। तो ये मुख्यतः जो मुख्य कारण है वो प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है। मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी है और उस प्रेगनेंसी लगभग 1 से 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इस तरह का प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी में ये 2-3 चीज़ आपको अमूमन देखने को मिलेगा। एक नंबर आपका जी मचलना, जी घबराना, दूसरा नंबर उल्टी आना, तीसरा नंबर आपका पेट में जलन होना, बुखार आना, ये 3 चीज़ अमूमन मेरे ख्याल से देखा गया है पेशेंट को। तो एक नंबर जो बात करने वाले जी घबराना, तो जी घबराता है, उल्टी होना, इसके बाद बुखार आना और पेट में जलन होना। तो हम सबसे जो इसका जो डोज है वो डोज जो होता है वो आप प्रेगनेंसी के दौरान एक टैबलेट या तो सुबह खाली पेट में दीजिए या फिर सुबह नाश्ता खाने से पहले एक टैबलेट दीजिए। इसके साथ आप अगर दे सकते हैं तो एक गैस का दवा होता है जो ओमीडी या ओमीपराजोल डोमीपराडोल के नाम से आता है, आप इनको भी एक साथ मिला के दे सकते हैं। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जब आपको उल्टी आना, जी घबराना, जी मचलना, ये नेचुरल है, ये अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। तो इसको आप ठीक तो नहीं कर सकते हैं दादा, लेकिन एक सजेस्ट है मेरे ख्याल से कि इस दवा को जब भी खिलाइएगा तो 100% है कि वो कम से कम दिन में वो 100%, इतना तो हम इक्वल कह सकते हैं कि वो दिन भर ठीक रहेगा। फिर एक खिलाइए कल, फिर इस तरह करके एक एक टैबलेट आप खिलाते रहिए। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो जी मचलना, जी घबराना, उल्टी आना, इसको आप नज़रअंदाज ना करें,
इसको आप ज़्यादा जितना हो सके जल्दी आप डॉक्टर से परामर्श करें, डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद आप दवा का इस्तेमाल करें। और प्रेगनेंसी के दौरान मैं जो वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो में आप ये मत समझिए कि हम जो दवा के बारे में बोले हैं वो दवा आप ले लिए और लेके खिलाने लगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी दवा खिलाइए, मेरा ही दवा खिलाइए, चाहे आप कहीं से भी डॉक्टर को दिखा के खिलाइए, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आप दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बिना डॉक्टर के अलावा आप डॉक्टर नहीं खिला सकते। तो आज हम उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था आप सब अच्छा से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।